अब लोग पैदल चलने की बजाय वाहनों से चलना पसंद करते हैं। यही वजह है कि अधिकांशतर शहरों में कैब की सर्विस दे की जाती है। इससे जिन लोगों के पास निजी वाहन नहीं होता है, उन्हें सफर करने में आसानी होती है। यह कैब की सर्विस बड़े शहरों के बाद अब छोटे शहरों में भी देखी जा रही है। इस कैब की सर्विस से राजस्थान का भरतपुर भी पीछे नहीं रहा है। स्थानीय निवासी घनश्याम सिंह ने शहर के लोगों को लॉर्ड कृष्णा ई रिक्शा कैब सर्विस की सुविधा मुहैया कराई है। उन्होंने बताया कि यह सर्विस शहर के लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इसका चार्ज 1 किलोमीटर का 10 रुपये रखा गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में करीब 12 साल तक ओला कंपनी में काम किया है। इसी दौरान उनके मन में विचार आया कि यह सर्विस बड़े बड़े शहरों में मिलती है, क्यों ना भरतपुर में भी इस सर्विस की शुरुआत की जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ सर्विस शुरू कर दी है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, वैसे वैसे लोग इससे जुड़ रहे हैं। इसकी बुकिंग ऑनलाइन की जाती है। यह सर्विस केवल शहर में ही उपलब्ध है और 24 घंटे मिल रही है। तो हमारे जो विचार आया, मैं करीब 2011 में मैं ओला उबर की सर्विस लेता था, तो दिल्ली में मैंने काम किया है। मैंने सोचा कि दिल्ली जयपुर बड़ी सिटियों में ऐसा काम है कि आप अपने भरतपुर में करना स्टार्ट करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मैं कॉलोनी में रहता हूँ तो वहाँ सर्विस नहीं मिल पाती है। जहाँ जहाँ सर्कुलर रोड है वहीं सर्विस मिलेगी। अब क्या है कि कॉलोनी में कहीं से भी कोई रात को 24 आवर्स अपनी सर्विस होती है, तो यहाँ में इसमें क्या है कि कहीं से भी आप किसी कॉलोनी में अपने ऑनलाइन अपना ई रिक्शा कैब बुला सकते हो और जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हो। ये सुविधा गांव में या सिटी में? नहीं सर, ओनली सिटी के लिए फिलहाल। कितने रिक्शे जुड़े हुए हैं आपसे? सर अभी रिक्शे मेरे पास 50 से 60 रिक्शे जुड़े हुए हैं, पर डेली अपने रिक्वायरमेंट आ रही है, 15 से 10 5 रिक्शे डेली जुड़ रहे हैं। नहीं कैसे बुक कर सकते हैं सर? सर ये अपने प्ले स्टोर पर जाके अपने ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन है लॉर्ड कृष्णा कैब के नाम से, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर क्या रेट कर रखी है आपने? सर अभी तो 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से है, जितना वर्क करोगे जितना रनिंग करोगे उस हिसाब से। ये सुविधा 24 घंटे 24 आवर्स है।